हेलो दोस्तो, दोस्तों दोस्तों आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक टेक आपका दोस्त तो इस दोस्तों के अंदर हम बात करने वाले हैं फोर इन लूप क्या होती है अरे के अंदर इन लूप को यूज करके हम एक अरे को किस टाइप से आइट्रेट करेंगे ठीक है तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं ठीक है तो सबसे पहले आपको क्या करना है मैंने फाइल को लिंक कर रखा है अपने यहाँ पे ट्वेंटी फाइल को मैंने यहाँ पे लिंक कर रखा है तो मैं क्या करूंगा मेरे पास सबसे पहले एक अरे चाहिए तो अरे मैं क्या यहाँ से पिक कर लाऊंगा ठीक है तो अरे देखो मैं कोड को रिपीटेटिवली यूज कर रहा हूं तो प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए ठीक है ये हो गया अपना मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ देट शुड बी गुड ठीक है अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक फोर इन लूप फोर इन लूप कैसे यूज करेंगे प्लस ये अपने को किस टाइप से चलेगी ठीक है तो फोर ऑफ लूप हमने देखी थी क्या होता है फोर ऑफ लूप अपने को आइटम्स देती है बट फोर इन लूप क्या करेगी यहाँ पे अभी आपको देखो दिखाता हूँ लेट आइटम इन ए तो आइटम इन ए मैं इतना कहता हूँ सिंपल सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे आइटम की वैल्यू क्या होगी ठीक है तो जैसे मैं आइटम करता हूँ अब उसके अंदर क्या हो रही थी पर्टिकुलर जो कि उसकी वैल्यू थी वो हो रही थी बट यहाँ पे जो आइटम है वो होगा इंडेक्सिंग तो देखो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो अपनी जो इंडेक्सिंग यहां पे है यहाँ पे जो आइटम आए है वो इंडेक्सिंग है वहां पे जो आइटम्स था जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था आपको वापस दिखाऊं देखो जो आइटम्स है वो इसकी वैल्यू है जैसे इसकी इंडेक्स पे जो होगी वो उसकी वैल्यू सेट हो जाएगी वन इंडेक्स पे जो होगी वो इसकी वैल्यू सेट हो जाएगी बट यहां पे इन लूप यूज करके करेंगे तो उसकी वैल्यू की जगह उसकी इंडेक्सिंग आएगी ठीक है तो इसकी इंडेक्सिंग से हम यूज कर सकते हैं उसकी वैल्यू तो वो टोटली फाइन है आप इसके बाद में वैसा ही कर सकते हो ठीक है मैं आपको देखो इसके अगर आइट्रेट करना है तो सिंपल से आप क्या करोगे कंसोल डॉट लॉग मैंने किया इसके बाद आइटम सॉरी आइटम नहीं ए डो ए के अंदर आइटम ठीक है मैं ऐसे ऐसे करता हूं तो देखो ये वो आइटम आ गए तो देखो ये आगे वैल्यू आ गई ठीक है तो इसको इसके बाद आप इस वैल्यू के साथ कैसे भी इसको मैनिपुलेट कर सकते हो और किसी भी अपने जैसे आपको प्रोग्राम की नीड है उस टाइप से आप प्रोग्राम को डिजाइन कर सकते हो ठीक है तो आशा करता हूं आपको फोर इन लूप समझ में आ गई फोर ऑफ लूप समझ में आ गई एक बार क्या इनको सबको रिवीजन कर लेते हैं ठीक है देखो फोर ऑफ लूप क्या होती है फोर ऑफ लूप में क्या आपका जो आइटम है आइटम की वैल्यू उसके एलिमेंट है उसके उसकी जैसे कि जीरो है जीरो पे क्या इसकी इक्वल होगी ठीक है जैसे वन होगा उसकी इक्वल इसके इक्वल होगी ठीक है टू के अंदर इसकी वैल्यू इसकी इक्वल होगी बट यहां पे क्या होगी फोर इन लूप के अंदर जीरो जब जीरो होगा तो इसकी इंडेक्स वो डायरेक्ट जीरो रिटर्न करेगा ठीक है जीरो वैल्यू पे क्या वन वैल्यू पे क्या इस टाइप से आपको इसकी इंडेक्स रिटर्न करेगा बट ऑफ लूप क्या है उसकी एलिमेंट रिटर्न करेगा तो दोनों में फोर इन और फोर ऑफ लूप में ये डिफरेंस है इसके अलावा आपने ट्रेडिशनल जो वाइल लूप्स है फोर ऑफ लो हो गई वाइल लूप हो गई वो हमने देखी थी वो किस हिसाब से है ठीक है एक डू वाइल लूप भी होती है उससे उससे भी हम इसको कर सकते हैं बट वो अभी हम यहाँ पे यूज नहीं लेते हम जब लूप्स पढ़ रहे थे आपको बता देता हूँ जैसे हम यहाँ पे जब लूप्स पढ़ रहे थे ना ये देखो हमने यहाँ पे लूप्स के अंदर उसकी बात की थी डू वाइल लूप की कि डू वाइल लूप आखिर क्या होती है अगर नहीं दे आपने इस प्ले लिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो काइंडली आप जाके इस प्ले लिस्ट से वीडियो देखें आपको काफ़ी फायदा होगा ठीक है तो मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे डू

डाटा कंज्यूम करते हैं और चले जाते हैं बिकॉज यार आपकी एक सब्सक्राइबर एक लाइक से काफी हेल्प होती है ठीक है तो इस वीडियो में टेक केयर बाय बाय